शहरनामा प्रस्तुति। भारत के उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अपने फैसले में केरल के सबरीमाला स्थित अयप्पा स्वामी मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दी। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने 4:1 के बहुमत के फैसले से कहा कि केरल के सबरीमाला मंदिर में रजस्वला आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लैंगिक भेदभाव है और ये परिपाटी हिंदू महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करती है। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ अपने फैसलों में प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर के फैसले से सहमत हुए। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने बहुमत से अलग अपना फैसला पढ़ा। 5 सदस्यीय पीठ ने 4 अलग-अलग फैसले लिखे। नंबर 1, न्यायालय ने 4:1 के बहुमत के फैसले के साथ ही सभी आयु वर्ग की महिलाओं को सबरीमाला स्थित अयप्पा मंदिर में प्रवेश की अनुमति दे दी है। सबरीमाला मंदिर के दरवाजे सभी के लिए खोले जाने चाहिए। सबरीमाला की परंपरा असंवैधानिक है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लैंगिक भेदभाव, सबरीमाला मंदिर की परंपरा हिंदू महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन है। दो तरफा नजरिए से महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचती है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि लिंग के आधार पर श्रद्धालुओं के साथ पूजा के अधिकार में भेदभाव नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।